उसके साथ छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, तो किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएगी, कि क्या उनको खिलाएगी, क्या उनको पिलाएगी? तो सरकार तो बात नहीं सुन रही है। जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनको पेंशन में दिक्कत आती है। सरकार कहती है हम बीपीएल एपीएल खत्म कर दिया है, लेकिन जो बुजुर्ग पेंशन लेने जाते हैं उनके आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि एक साल की आपकी आमदनी कितनी है, और परिवार रजिस्टर नकल, डॉक्टर के दस्तखत, इसमें उन बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है। वो बनवा नहीं पाते हैं, इसलिए वो पेंशन नहीं बनवा पाते हैं। और अगर बनवा भी लेते हैं कहीं से दौड़ के किसी दलाल के मिलने से, तो उनको 300 रुपया महीने में मिलती है, वो 6 महीने के बाद में। और कभी वो पता चलता, रास्ता देखते रहते हैं, जब उनको एक साल हो जाता है पता करते हैं, तो कागज में वो कंप्यूटर में कहते हैं तुम मर चुके हो, तुम्हारा आधार नहीं फीडता। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कौन से महीने का पेंशन आया है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन सिर्फ आप किस महीने का दे रहे हैं, ये कहीं भी क्लैरिटी नहीं है। तो इसमें भी लोग भूल भुलैया में रह जाते हैं कि पता नहीं कौन सा महीना आया, कौन सा नहीं आया। हमने ये भी देखा कि एक रूल है कि उसका ऑडिट करना है, देखना है 6-6 महीना पे इसका पेंशन के रूल में कि कौन से व्यक्ति गुजर गए या कौन से व्यक्ति नए हैं जिनको देना है, लेकिन इसका कुछ भी होता नहीं है। और अपने आप से लोग किसी का बंद कर देते हैं। एक ये भी देखने को मिला कि 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति गुजर गए थे, लेकिन उसका बैंक पासबुक सब बंद कर दिया उसके फैमिली वालों ने, लेकिन मोबाइल में मैसेज अभी तक आ रहा है 2 साल के बाद भी। तो यानी आप मरे को जिंदा कर रहे हैं और जिंदा को मार रहे हैं।